यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, नाम तो सुना ही होगा आपने। यूपी ट्रिपल एससी कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराता है, कौन कौन सी भर्तियां निकालता है ये पूरी तरीके से, और उन परीक्षाओं की योग्यता क्या क्या होगी, तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी कौन कौन सी परीक्षाएं पूरी कराता है और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को, प्रोसेस को संपन्न करता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हाँ, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह यूपी पीएससी के नीचे काम करेगा और उससे नीचे जो भर्ती प्रक्रियाएँ यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी पीएससी नहीं कराता है, उन सब की भर्ती प्रक्रिया ग्रुप सी डी व कुछ भर्ती बी लेवल की भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब से ये अनवरत भर्ती प्रक्रिया को कराता है। इस पर कई बार सवाल उठते हैं लेकिन फिर भी ये जारी है, तो उन सब पे चर्चा ना करके हम सीधे चलते हैं ये कौन कौन, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होने चाहिए। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 10th लेवल पास होने चाहिए और इसके अलावा आप किसी तकनीकी विषय में सक्षम होने चाहिए यानी कि आप आईटीआई या आईटीआई कौशल प्राप्त होने चाहिए। जी हाँ, सबसे कम योग्यता कुछ पोस्टों के लिए 10th और आईटीआई होती है या तो ये आपको कम से कम क्वालिफाई होने चाहिए। उसके बाद इसकी सेकंड लेवल की 12th पास तथा ट्रिपल सी हालांकि सभी परीक्षाओं में अनिवार्य नहीं है लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में ट्रिपल सी मांगा जाता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। 12th पास में कुछ भर्तियां 12th पास की भी कराता है। इसमें कुछ भर्तियों में स्ट्रीम अलग अलग कर देता है और कुछ भर्तियों में कोई भी स्ट्रीम नहीं रखता है कि आप कॉमर्स से हों, आप साइंस से हों, आप आर्ट्स से हों, इसका कोई बंधन नहीं रह जाता। उसके बाद ज़्यादातर भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी जो कराता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको कम से कम किसी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ज़्यादातर भर्तियाँ ग्रेजुएट लेवल की ही निकालता है आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो चलिए कौन कौन सी भर्तियाँ निकालता है, इनके सिलेबस की हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी में क्या होता है, हिंदी पूछता है, क्वेश्चन और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं लेकिन हिंदी लगभग सभी परीक्षाओं में अनिवार्य है। हिंदी, रीजनिंग और जीएस, ये तीन सब्जेक्ट लगभग हर परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। कुछ परीक्षाओं में अलग से, जो परीक्षा की अलग से कराई जाती है उसमें उस स्ट्रीम से कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो एक अलग हो जाता है, स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपने कॉमर्स से किया तो कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि कॉमर्स का एक अलग सेक्शन होगा, इसी प्रकार साइंस से भी होता है, आर्ट्स से, एग्रीकल्चर से, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो ये हम आपको बता दिए, ये पूरा आपको मेथड बता दिए। अब चलिए हम सीधे चलते हैं कि कौन सी भर्ती परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संपन्न कराता है। तो देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपी ट्रिपल एससी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो लोअर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम, लोअर के एग्ज़ाम भी यूपी ट्रिपल एससी कराता है। इसमें से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि यूपी पीएससी द्वारा कराए जाते थे लेकिन अब उसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया है। उसके बाद दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ते हैं तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा, जो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, इसका भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कराता है। फॉरेस्ट गार्ड यानी कि जंगल के जो गार्ड होते हैं उसके भी एग्ज़ाम इसी पे, विधान भवन रक्षक भी इसी के अंतर्गत लगभग आता है। दोनों परीक्षाएं लगभग साथ संपन्न होती हैं तो ये भी यूपी ट्रिपल एससी कराता है। कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट, जो टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा होती है उसकी भी परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है।
आगे केन सुपरवाइजर यानी कि गन्ना पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम भी आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाती हैं। जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाती हैं। जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स इसमें टाइपिंग भी मांगता है, ये भी आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। उसके बाद स्टेनो के एग्ज़ाम होते हैं जो कि स्टेनो भर्ती कराई जाती है, स्टेनोग्राफर की, उसके भी एग्ज़ाम UPSSC द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए जाते हैं, उसके भी एग्ज़ाम UPSSC कराती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के आपकी जो परीक्षाएं हैं तथा यहीं पे कोषागार की परीक्षाएं जो हैं वो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संपन्न कराती है। यहाँ पे इंटरव्यू आप इसको भूल जाइए, ये मैं पूरा डाटा निकाला हूँ, ये एग्ज़ाम यही कराता है, इंटरव्यू भी यही कराता है, पर सारी चीज़ें यही प्रक्रिया पूरी करते हैं। जूनियर असिस्टेंट के अभी की परीक्षा भी यही कराते हैं। यूपी में ड्राइवरों की जो ज़रूरत होती है, चाहे वो अधिकारियों के लिए हो, तो उसकी भी परीक्षा ड्राइवर कौन कराता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। अमीन की परीक्षा जो कि ज़मीन की मापने का रिकॉर्ड होता है, इनके पास होता है, इसकी भी परीक्षा आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। JEE की बात हमने कर ली थी। लैब टेक्नीशियन की एग्ज़ाम भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा भी आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा भी आबकारी कांस्टेबल की परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत यानी कि BDO की परीक्षाएं भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। मंडी परिषद, मंडी इंस्पेक्टर, इसमें कई प्रकार की पोस्टें होती हैं, इसकी भी परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। राजस्व लेखपाल, पहले लेखपाल राजस्व विभाग द्वारा भर्तियाँ निकलती थी, और चकबंदी लेखपाल तो UPSSC ही कराता है, लेकिन अब इसकी परीक्षाएँ भी UPSSC को सौंप दी गई हैं। युवा विकास कल्याण अधिकारी, युवा विकास दल अधिकारी, ये सब परीक्षाएं भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। ग्राम सचिव, ये नई भर्ती प्रक्रिया निकलने जा रही है, इसका भी कार्यभार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा गया है। नगर निगम, नगर पालिका, इसके भी कर्मचारियों की भर्ती पहले नगर निगम द्वारा सीधे की जाती थी, अब इसकी भी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। उसके अलावा मेडिकल तथा आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ लाइन में भी भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाती हैं। तो इस प्रकार से इतनी ढेर सारी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है जिनकी जिम्मेदारी इनको दी जाती है। तो इस प्रकार से ये ढेर सारी वैकेंसियाँ, यदि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी वैकेंसियों में से हाथ आजमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।